जैसे अब चुनाव का माहौल आ रहा है तो हास्य व्यंग के हम लोग कवि रहे हैं, तो जो भाई बंधु या कोई भी सुन रहा होगा अन्यथा नहीं लेगा, तो एक छंद सुनाने का मैं प्रयास करता हूँ कि नेताजी की पत्नी को डॉक्टर ने चेक किया, नेताजी की पत्नी को डॉक्टर ने चेक किया, बोला इनके तो दिन चढ़ने लगे, आंगन में खेलेगा एक छोटा सा ननिहाल, आंगन में खेलेगा एक छोटा सा ननिहाल। यह सुन नेताजी के गाल लाल पीले पड़ने लगे, नेताजी ने कहा गजब जबाना भाई, नेताजी ने कहा गजब जबाना भाई, अब तो घर में भी फर्जी ओट पड़ने लगे। ठीक है, और एक कविता थी, पहली बार हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे तो वहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हमको एक तरफा मोहब्बत हो गई थी, चौतरफा पीट दिए गए थे। हमने एक लड़की को कहा आई लव यू, चप्पल चप्पल मार के निकाल ली समार जू, हमने कहा मम्मी यहाँ लगाइए हरदी और घ्यू, अभी अभी देकर आ रहा हूँ मोहब्बत का इंटरव्यू, अभी अभी देकर आ रहा हूँ मोहब्बत का इंटरव्यू। एक दोस्त ने कहा यार मैं भी करना चाहता हूँ किसी लड़की से प्यार, यार मैं भी करना चाहता हूँ किसी लड़की से प्यार, कोई खूबसूरत लड़की हो बतलाइए और हमको दिखलाइए। मैंने कहा यार तुम्हारी तकलीफ समझ में आई, कल जंगल में जाना तबीयत खिल जाएगी, कोई ना कोई कंडे बीनने वाली मिल जाएगी। यार फिल्मी स्टाइल में गीत गुनगुनाया और जंगल में गया, यार फिल्मी स्टाइल में गीत गुनगुनाया जंगल में गया, कि लाल घगरा में गोरी लागे लू कमाल के, यार जिसे समझ रहा तो गुड़िया वह निकली 50 साल की बुढ़िया। पोपले मुँह से बोली बच्चा तू मुझ पे मर रहा था, दोस्त ने बोला नहीं मैं तो पिताजी के लिए ट्राई कर रहा था। ठीक है, इसी साथ क्योंकि कविताएं 2-3-4 महीने से छोड़ गई हैं और निरंतरता कविताओं पे नहीं बन पाई क्योंकि पढ़ाई लिखाई इधर विद्यालय और सब चीज़ें रही हैं, अब फिर से शुरू किया जाएगा, सब चीज़ें सिस्टम में लाया जाएगा, वो सब चीज़ें की जाएंगी, और अपनी बात यहीं तक रखते हैं। ठीक है।